Good morning everyone. Yesterday we were doing the chapter 6. This is Jordi's phone. Now we will continue this chapter from page number 87, 9th line. So Jordi wanted to find the phone. Jordi phone ko find karna chahta tha. Aur iske aage hum padhenge. And bring it here. To usne apne father se kaha, kya main use dhoond kar yahan la sakta hun? And raise it matlab use bada kar sakta hun. पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. सीलिंग होती है जो ऊपर वाली दीवार होती है. पैनी बिल्कुल क्वाइट थे एंड ही वॉज स्टेयरिंग, घूर रहे थे दीवार को. बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन. हैम्ड इन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन इन दैट यू कैनॉट से नो. उनके फादर अब एक ऐसी सिचुएशन में थे जिसमें वो नो नहीं कह पाते. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, उन्होंने कहा उसको बड़ा करने में इतनी ज्यादा कोई खर्चा नहीं होगा पा. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स. वो धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, लीव्स खाना, क्योंकि यू नो एनिमल्स को ज्यादातर लीव्स पसंद होते हैं या सारी स्क्रैप्स ही पसंद होती है. एंड एकॉर्न्स आर स्मॉल ब्राउन नट्स, नट्स होती हैं. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, उसके फादर ने कहा तुम अपनी एज के जो बॉयज होते हैं उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज Not to blame. हमने उसकी मदर को ले लिया है और ये ब्लेम करने की बात नहीं है. Surely it seems ungrateful to leave him it to starve, sir. उन्होंने कहा कि अब अगर हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे तो it will be ungrateful. So I can't say no to you. मैं तुम्हें ना तो नहीं कहूंगा. I never thought I had lived to see another day. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस जिंदा बच पाऊंगा. Can I ride back with mill wheel and see I can find it? क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ और उसे आते वक्त ढूंढ कर ला सकता हूँ? Tell your ma I said you can go. अपनी मदर को फादर ने कहा कि अपनी मदर को कहते जाओ that I am giving you the permission. He settled back to the table and sat down. वो वापस पीछे होके सहारा लेकर टेबल पर बैठ गया. His mother was pouring coffee for everyone. और उनकी मदर कॉफी सर्व कर रही थी सबके लिए. He said, Ma Pa says I can go bring back the phone. तो उन्होंने अपनी मदर को कहा मदर फादर हैड गिवन मी परमिशन टू ब्रिंग द फोन बैक. उन्होंने कहा मुझे परमिशन दे दी है फोन को वापस घर लाने की. He held the coffee pot in mid-air. और जिनका कॉफी पॉट था जैसे ही वो उसको पोर कर रही थी वो मिडिल हवा में ही रह गया. What phone? And she was surprised. क्या फोन? The phone belonging to the doe we killed. तो जो फोन है वो बिलोंग करती है जिस डो को जिसे हमने मार दिया है. We used the doe's liver to poison, draw the poison out and save Pa. हमने उसका लिवर निकाल लिया ताकि हम फादर के अंदर जो पॉइजन था उसे निकाल सकें और अपने फादर की जान बचा सके. She gasped. उसने आंख की सांस भरी. Well, for pity's sake. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. उन्होंने कहा ये बहुत ही ungrateful होगा अगर हम उसे मरने के लिए छोड़ दें. Dr. Wilson said, Dr. Wilson ने कहा that's right ma'am, nothing in the world comes quite free. तो जो डॉक्टर थे उनके विल्सन उन्होंने कहा ये सही कह रहे हैं मैम, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है. The boy is right and his daddy is right. The both daddy and the boy are right. मिल व्हील सेड, जो मिल व्हील थे वो उन्होंने कहा ही कैन राइड बैक विथ मी आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. उन्होंने कहा जो उनके मेड सर्वेंट या कोई भी उनके हाउस हेल्प थी उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ जाता हूँ और वी विल एबल टू फाइंड हिम वेरी सून. सी सेड द पॉट हेल्पलेसली, और उन्होंने जो पॉट था कॉफी पॉट उसे बहुत ही हेल्पलेसली रख दिया. वेल इफ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव नथिंग एल्स टू फीड इट. तो उसकी मदर ने कहा तुम्हें उन्हें क्या देना पड़ेगा, अपना जो तुम दूध पीते हो जो बॉय था उस जॉडी को कहा वही देना पड़ेगा. बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू गिव हिम एक्स्ट्रा, हमारे पास इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है. दिस इज ऑल फॉर टूडे. डू दी हार्ड वर्ड्स. थैंक यू.